हाय, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बिहार। और ये जो इस बार जो मैंने रूट लिया, ये थोड़ा ऑफ बीट, थोड़ा सा अननोन एरिया है, क्योंकि इस तरफ यूजुअली आपको कोई बाहर से आते हुए लोग दिखेंगे नहीं। बहुत मतलब दिखेंगे थोड़े बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, लोकल ज़्यादा होते हैं। और अभी मैं यहाँ से जिस रूट से आया था उससे नहीं जाऊँगा मैं सोलन से वापस। इस बार मैं इधर से सिरमौर के अंदर से होता हुआ पौंटा साहिब और नाहन के आसपास से कहीं से होता हुआ गुजरूँगा। अंदर का एरिया जिसके बारे में मुझे भी कुछ ज़्यादा पता नहीं है। तो बाइक आप देख रहे हैं जैसे ऑलमोस्ट रेडी लोडेड है विद माय ऑफ कोर्स अनरैक सिस्टम फ्रॉम राहगीर। और मेरा जो साथ में कंपेनियन, बड़ा पुराना रायनॉक्स का ट्रेल बैग 42 लीटर आई गेस। और मेरी एक्सपर्ट्स जिसने मुझे बिल्कुल भी परेशान और निराश नहीं करा। आई एम हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस ऑफ दिस बाइक। और जिस तरह से ये चलती है ऐसे टूटे फूटे रास्तों में, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर ऑफ रोड करके आया और ये एक बस आई है वहाँ से आती हुई चौपाल की तरफ जा रही है। तो बसेस भी चलती हैं यहाँ, कुछ दिन में 2-4 मैंने देखी है। रोडवेज बताई हिमाचल रोडवेज, जहाँ मैं रुका था वो एक होम स्टे अंडर कंस्ट्रक्शन टाइप आप कह सकते हो, कुछ थोड़ी सी रुकने की जगह है जहाँ मैं रुका। और आई गेस अगले कुछ महीनों में मार्च अप्रैल का टारगेट है, ये इसको पूरा कर लेंगे, फिर यहाँ पर स्टे की एक जगह बन जाएगी अगर आपको चूड़धार ट्रैक कराए, क्योंकि अदरवाइज़ यहाँ पर अभी कोई ऐसे ऑनेस्टली कोई ऐसे एकोमोडेशन ज़्यादा है नहीं यहाँ पर इस एरिया में आसपास। थोड़ी मुश्किल होती है अगर कोई बाहर से आता है। चलिए जी, ओके, मिलेंगे फिर जी, थैंक यू, बाय बाय। फोटो खींच रहे मेरी, भेज देना मुझे। नमस्ते जी, फाइनली लीविंग फ्रॉम लिहाट। और दो बार इस रास्ते पर आने जाने के बाद कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ गया है। एरिया अच्छा भाई है, अनएक्सप्लोर्ड, काइंड ऑफ अननोन। अगर आपको सोलन साइड से आकर के चूड़धार जाना है तो यहीं से होते हुए आप जाते हैं। रास्ता देख रहे हो आप, किस तरह का रास्ता है ये। सराह तक ये रास्ता ऐसे ही मिलने वाला है, कुछ इस तरह का कहीं। शायद थोड़ा मढ़ो के बाद बेटर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अभी तो फिलहाल ना पत्थर पत्थर बोते हैं यार। चलो भाई, चलो चलो चलो। मैंने घर देखा था कल भी आते हुए, क्या सुंदर घर है यार। इसमें लाइट जल रही थी रात को, वाइट एकदम बढ़िया लग रहा था। प्रॉब्लम यहाँ पर बस इतनी है कि एकदम से कहीं पर ना शेड आ जा रही है ना, तो सनग्लासेस के साथ, और अगर आपके सनग्लासेस ज़्यादा डार्क हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब एकदम ऐसा लग रहा है अंधेरा सा हो गया। वैसे तो ठीक है सब, सूरज निकला है, धूप है, थोड़ा क्लाउडी है, कल शाम से ही क्लाउडी है इनफैक्ट। हाँ, जिसको ऑफ रोडिंग का शौक है वो यहाँ आ जाए, साल भर में रोड भी बन जाएगी। आई स्टैंड लग रहा है क्या? मढ़ो आने वाला है, रोड जब ऐसी हो जाती है ना थोड़ी सी ठीक, तो बस मतलब मढ़ो आने वाला है, जहाँ से चूड़धार का ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो जी हम पहुँच गए मढ़ो। आज तो गाड़ियाँ यहाँ ज़्यादा खड़ी हैं, संडे है ना, शायद लोग भी ज़्यादा आते होंगे। बाइकर्स भी काफ़ी आए हुए हैं, सब एचपी की गाड़ियाँ हैं। हाँ जी भैया, क्या हाल चाल सुरेश भाई? हाँ जी, बस चल रही है वापस दिल्ली की तरफ।
हाँ इस रूट से। नहीं बस लेट हो गया मैं, बहुत पीली चाय भी पी कर ही आ रहा हूँ, फिर आऊँगा कुछ महीनों बाद आऊँगा, फिर मैं फिर आऊँगा आराम से आऊँगा। चलो जी धन्यवाद भाई, बाय बाय। बादल लग गए आज, तो यहाँ से जी शुरू होती है जी चूड़धार की ट्रैकिंग, चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए लोग यहाँ से चढ़ना शुरू करें, और कल यहीं से मैं 16 किलोमीटर अप डाउन करके आया था, थक तो गया था बट ठीक है, अच्छा सोया, लंबा नहीं सोया लेकिन गहरी नींद सोया तो ठीक लग रहा है। ये यार ये मिट्टी उड़ाते चलेंगे क्या अब ये, और आई थिंक अब जो है नीचे को ही ढलान टाइप है। अभी हम जा रहे हैं सरां की तरफ, और अगले 5 किलोमीटर ये रोड ऐसी रहने वाली है कच्ची। सरां के बाद से सुना है कि रोड मेटल्ड है, और कितनी मेटल्ड है ये तो वहाँ जाकर के ही पता चलेगा। जाने दे भाई, डेंस फॉरेस्ट है। मैं उस दिन सोच रहा था कि मैं शाम को 6 से एकदम अंधेरा हो गया था सरां तक आ जाऊं। वैसे इतना मुश्किल नहीं है अभी मडो के बाद, तो ये रोड ठीक ही है, वो बेटर है उससे पहले ही, बल्कि लिहाज और मडो के बीच में ही रोड ख़राब है, एज इन कि वो पत्थर पड़े हुए हैं बस। वो ऐसी रोड में कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है अगर आप आराम आराम से चलो तो, 10 मिनट एक्स्ट्रा लग सकते हैं बट ठीक है, तेज़ ना चलाओ बस धीरे धीरे चलाओ। ये जो ख़राब रोड होती है ना उनके नीचे उतरना बड़ा मुश्किल, ज़्यादा केयरफुली चलना पड़ता है क्योंकि आप ग्रेविटी आपको पुल कर रही होती है ना, पत्थर पड़े हुए हैं, सॉफ्ट सैंड है, पानी आ गया, कहीं कुछ आ गया, तो आप नीचे की तरफ स्लाइड या ग्लाइड जो भी बोलते हैं वो कर रहे हो। अगर आप सरां साइड से आते हैं, सरां से अगर आप आते हैं तो यहाँ से भी आप मंदिर का रास्ता है ऊपर जाने के लिए चूड़धार का ट्रैक, और यहाँ ना कुछ देखिए कुछ हट्स बनी हुई है अकोमोडेशन टाइप की, 1, 2, 3, 4, 8 हैं ये। ओके चूड़धार मंदिर मार्ग लिखा हुआ है। अच्छा तो आपको ऊपर तक जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट ये कहीं रास्ते में वहीं कहीं मिलता होगा। ओ भाई क्या डेंस फॉरेस्ट है यार, अब ये कितना डेंस फॉरेस्ट है यार, अमेजिंग, वाह सही लग रहा है, कितना सही लग रहा है, कितना सही लग रहा है। सरां रह गया 1.8 किलोमीटर अभी भी है यार। नहीं उस दिन अगर मैं अंधेरे में आता तो यहाँ प्रॉब्लम तो होती मुझे थोड़ी सी, वैसे तो मेरे पास लाइट इनफ है पर अकेले होते हो ना आप, थोड़ा सा एक बैक ऑफ द माइंड तो रहता है कुछ ना कुछ टेंशन थोड़ी सी, साथ में हो 2-3 लोग तो अलग बात होती है, एक सपोर्ट सिस्टम होता है आपके पास, कुछ भी कोई भी इवेंचुअलिटी हो कुछ भी हो तो साथ में लोग होते हैं। अरे ये वाटर बॉडी सी आ गई, मुझे कहाँ जाना है, वही सही लग रहा है मुझे। चलो 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 चलो, थोड़ा सा पानी चला गया शू में, कोई नहीं ज़्यादा नहीं किया मैंने, वो पैर ऐसे हल्का सा लटका लिया नीचे, मुझे लगा कोई बड़ा पत्थर आ गया सामने, था नहीं ऐसा। नीचे देखने लगी अब काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन, घर ही हैं या तो मोस्टली रहने की जगह तो शायद मैंने सुना कमी है, तो ये सरां वाला एरिया ही होगा उस तरह से, जहाँ से मैं आया उसकी जगह उसके कंपेरेटिवली तो काफ़ी ज़्यादा है। सरां पे सिर्फ ये है मुझे लग रहा है कि क्योंकि सरां थोड़ा सा बड़ी जगह है तो लोगों को शायद पता ज़्यादा होता है, और लोग आते इधर से ही हैं पहले भी, तो पॉपुलर कंपैरेटिवली इस एरिया में जो चूड़धार की जो यात्रा शुरू होती है वो सरां साइड से लोग शायद ज़्यादा करते हैं, और मुझे कुछ मेटल रोड से दिख गई यहाँ पर यार, बड़ी खुशी हुई दिल को, हार्दिक खुशी हुई 2 दिन के बाद मेटल रोड देखने की। आई होप कि ये मुझे
आगे रास्ते में भी मिलेगी ऐसी सारे रास्ते में। अब बताया तो यही गया, बाकी देखते हैं एट सी। अच्छा ये ऊपर चढ़ रही है क्या, ये मिले रोक रखी है। थैंक यू सो मच भैया। खद्दर पुलवाहन सोलन लिखा था यार। यहाँ पर अब इतना सुना है, और यहाँ कल मुझे बहुत सारे लोकल्स मिले तो उन्होंने मुझे ये बताया कि चूड़धार की जो यात्रा है या जो उनके दर्शन है वो यहाँ पर लोगों का ये मानना है वो तभी पूरे होते हैं जब अगर आप बिज्जत महाराज जी के भी दर्शन करें। तो मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, शायद 15-20 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाएंगे मुझे, तो चल पड़ते हैं नो हार्म। और रोड ठीक है, ऐसी मेटल रोड है उन्होंने बोला। तो ये है भाई सरा, यहाँ लग रहा है मुझे रहने की छोटी मोटी जगह है एक्चुअली। भाई ऐसे गुजर रहा हूँ मैं सरां की गलियों में से। प्यारी सी वाटर क्रॉसिंग, क्या बढ़िया जगह है यार, अच्छी जगह है। और कितने सेब के बाग हैं यार, पेड़ हैं। किधर है रास्ता, ऊपर को कि नीचे को? कहाँ जाना है? अब समझ नहीं आ रहा इधर जाऊं कि इधर जाऊं। अरे भैया कोई है, मंदिर के लिए कौन सा रास्ता है? बिज्जत महाराज, बिज्जत महाराज ये वाला कहाँ, कितनी दूर है? अच्छा आप जा रहे हो, एक मिनट। ऑलराइट, तो जी दर्शन कर कर आते हैं फटाफट से। ये है बिज्जत जी महाराज जी का मंदिर, और अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, काफ़ी पुराना मंदिर है। सामने जो आप देख रहे हैं वो बिज्जत महाराज जी का मंदिर है, बस वहाँ दर्शन करके आया हूँ। ये खड़ी है बाइक, ये एक छोटे से दुकान शर्मा भोजनालय, सोचा चाय पी ली जाए रुकाऊँ तो। जैसी मैंने कहा चार लाख ऐसी बनी है। ये बनी है यहाँ जी बेसन की बर्फी बना रहे हैं अंकल जी, खुद ही बना रहे हैं, बड़ी खुद बनाते हैं, बढ़िया बड़ी। हाँ वो तो बनाती है पर मिठाइयाँ भी खुद ही बनाते हैं यहीं पर, बढ़िया अच्छी है, स्वाद भी अच्छा था। ठीक है अंकल जी नमस्ते। नमस्ते जी, अब वापसी। अब नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेरुआ, जो शायद यहाँ से 23-24 किलोमीटर दूर है।
डरो मत और मुझे भी मत डराओ प्लीज। सर कहाँ कुत्ती फांते अंदर घुस गई। चलिए जी, देखिए सब सेब के पेड़ है, सारा सेब के पेड़ है। ये वापस सरान वाली रोड आ गई और अभी मुझे यहाँ से लेना है, जहाँ से मैं ऐसे लेफ्ट लेकर के आया था, अभी मुझे उस तरफ उसी कट पे जाके मिलना है और फिर वहाँ से लेफ्ट को ले लेना है नेरुआ की तरफ, वो ऊपर को जो रोड जा रहा है। ये ऊपर भी सारे सेब के ही पेड़ हैं। यहाँ से आया था मैं ऊपर से लिहाट से, और वो जो सारा दिख रहा है वो पूरा सरा शहर दिख रहा है, शहर बोल रहा हूँ, सरा का इलाका दिख रहा है। अब रोड मिल गई है ऐसी वाली मेटल, एटलीस्ट छोटी कोई बात नहीं पर पक्की है, तो कोई टेंशन नहीं है सच। बहुत ज़्यादा है तो उस पर भी आप चला नहीं सकते क्योंकि आम सामने वाला ट्रैफिक भी होता है और टर्न काफ़ी होते हैं, तो एकदम से सामने से कौन आ जाए पता नहीं चलता है। बट एटलीस्ट उससे डबल स्पीड पे चलेंगे जो एकदम ऑफ रोड वाली थी, डबल से भी शायद ज़्यादा। तो ये जो है पूरा का पूरा इलाका एकदम नॉट ऑन टूरिस्ट मैप जिसको बोलते हैं ना, ये वैसे वाले टाइप की जगह है। लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा डेफिनेटली, पर पॉपुलर नहीं है वैसे जैसा होता है ना कि लोग बहुत जाते हैं, भीड़ हो जाती है, थोड़ा ऑफ बीट है, ऑफ बीट हिमाचल टाइप वाली जगह है ये। यार अभी मतलब कांड हो गया, कांड क्या हुआ कि मैं पता नहीं क्यों मैप, मुझे ऐसा लगा मैप मुझे इधर ले जा रहा है और मैं यहीं से आया हूँ और तीसरी बार यहीं से वापस जा रहा हूँ मैं। मतलब वो मंदिर से उतर के वो जो लेफ्ट था वो नेरुआ की तरफ, बेसिकली इस तरफ ही था नेरुआ वाला रूट, इस तरफ नहीं था, मैं गलत चला गया। तो इन गाड़ी वाले ने मुझे बताया कि इस तरफ से है, तो बिना मतलब के आप कह सकते हो कि दो तीन किलोमीटर मैं चला गया, आगे तक वापस आ गया। शुक्र है भी तो मिल गया और कट मिल गया कोई, अगर कट नहीं होता ऐसा मैं तो अपनी दुनमी पर जाया जा रहा था कि वही रोड है, एज्यूम करके किसे पूछा ही नहीं मैंने। ठीक है, हाँ अब ये ठीक हुआ, ठीक है, थैंक यू। ये होता है कई बार आप जब अपने आप को चौधरी समझते हैं, तो यहाँ से नीचे उतर कर आए, मुझे ऐसे लेफ्ट लेना चाहिए था नेरुआ के लिए और मैं वहीं अपने उस तरफ चला गया ये सोच के कि वो रोड नेरुआ जा रही है। ये यहाँ बस स्टैंड है, यहाँ से लोग पैदल जाते हैं ऊपर बिज्जत महाराज, टैक्सी स्टैंड है, बस स्टैंड है, बस तो कम ही चलती हैं, टैक्सियाँ ज़्यादा चलती हैं। नेरुआ के लिए ऐसे जाऊंगा ना, ठीक है, धन्यवाद। क्या सही जगह है यार, एकदम ऊपर से पानी आ रहा है, अमेजिंग। ये सरा का बाजार है, हाँ ठीक ठाक बाजार है भाई, दुकानें वकानें हैं थोड़ी बहुत, घर हैं लकड़ी वकड़ी के बने हुए, लकड़ी के बने हुए पुराने, देखो ये तो नया है। मुझे इस तरफ आना था और मैं वहाँ चला गया था कहीं। इस वाले रूट पे एकदम ब्लाइंड कर्व्स बहुत हैं, काफ़ी केयरफुली चलाने की ज़रूरत है। एक तो मोड़ बहुत है और ऊपर से सारे ब्लाइंड कर्व्स हैं काफ़ी सारे, और तीसरा ये छोटी रोड है, देखो देखो देखो, इतनी ज़ोर से ब्रेक मारनी पड़ी, तेज़ आ रहा है ऊपर से देखता हुआ अभी अपनी, और मैं बिल्कुल कोने पे था। ये सामने गेट आ गया, जो ये है निशानी कि आपको सरा की तरफ मुड़ना है जब आप इधर से नीचे से आए। तो ये जो कट है, अगर आप ये सीधा ले लें तो आप चौपाल शिमला की तरफ चले गए, चौपाल 13 किलोमीटर है, बीच में थ्योक वगैरह आता है, शिमला 113 किलोमीटर है यहाँ से और नेरवा 13 जहाँ मैंने जाना है, राइट। और ये गेट का क्या नाम है,
पुल बाहल 35 झोकड़ सरा 10 किलोमीटर। ये देखिए शिव जी की मूर्ति बनी ऊपर। ये कट है जहाँ से सरां के लिए ऊपर आप जाते हैं, नेरवा और सरां के लिए। शालू नेरवा। तो हम नेरवा के लिए नीचे यहाँ से यू टर्न मार लिए है। काफ़ी नीचे उतर गए। अगर आप देखें तो मैं पता नहीं कहाँ उधर कहीं उस साइड पर था 2 घंटे पहले, और बिल्कुल नीचे धीरे धीरे करके वैली की तरफ उतर रहा हूँ। ये मुझे पता नहीं कि मुझे अब कहीं से फिर चढ़ाई करनी है तो आगे जाके पता चलेगा, पर नेरवा तक तो लग रहा है कि काफ़ी नीचे उतरते जा रहे हैं। जगह है कलारा, थोड़ा एकदम ऐसी थोड़ी वैली टाइप है कुछ, थोड़ी सी नीचे नदी बह रही है बीच में, और उसके बगल में कुछ खेती भी है, आसपास घर हैं। ये नेरवा का ही इलाका होगा क्योंकि नेरवा रह गया 2 किलोमीटर। तो वही जब कोई थोड़ी बड़ी सी जगह आने वाली हो जाए तो उससे आसपास भी आपको दिखता है कंस्ट्रक्शन। कितनी आग क्यों लगी हुई है यहाँ भाई, क्या हो गया इतना धुआं, ऐसा क्या हो गया, क्या जला रहे हैं इतना धुआं। मुझे एक स्कूल दिखा नीचे, स्कूल का ग्राउंड है बेसिकली, कोई फंक्शन हो रहा है कल्चरल प्रोग्राम टाइप। देखो बच्चे कैसे सजे हुए हैं, अंदर कुछ चल रहा है टेंट में। नेरुआ में ही हूँ मैं अभी तक, नेरुआ के बाजार से गुजर रहा हूँ। शालवी नदी है ये, और ये हम जा रहे हैं फैडीज पुल की तरफ, जहाँ से मुझे बताया गया राइट ले लेना है तो पहुँचाएंगे गुमा की साइड। वहाँ से हाईवे स्टार्ट हो जाता है, कोई बड़ा हाईवे, नेशनल हाईवे बोल रहे हैं लोग, देखते हैं कैसा नेशनल हाईवे है, जो जाएगा पोंटा साहिब की तरफ। तो मैं उस तरफ जा रहा हूँ, पोंटा साहिब से निकलूँगा। रोड को क्या हो गया, अच्छी नदी लग रही है, दिल कर रहा है, बच्चे बैठे हैं, बच्चे खेल रहे हैं नीचे नदी में, दिल तो कर रहा है नीचे जाने का पानी में, बट समय नहीं है। ये जो ब्रिज है ये सेपरेट कर रहा है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, तो ये जो लेफ्ट रोड है ये चलेगी उत्तराखंड को और ये हम हिमाचल के अंदर ही रहेंगे। ये उत्तराखंड को चला जाता है, ये उत्तराखंड है, अच्छा सामने वाला उत्तराखंड है अब, और ये हिमाचल है नदी के इधर। इस जगह का नाम क्या है, फ्रेडरिक पुल, क्या पुल, फैडीज पुल, अच्छा फैडीज पुल। गुना कितना दूर है यहाँ से, हाँ गुना 6-7 किलोमीटर बस पास में ही है, अच्छा। दोनों रोड्स, ये दोनों स्टेट्स की रोड कैसे पैरेलल चल रही हैं, ये हिमाचल की उधर सामने उत्तराखंड की रोड। हाँ जी मैं एक ब्रेक लिया है, बैठ एक जगह है गुमा वहाँ पर रुका हूँ, थोड़ी सी भूख लग रही थी, और तो ये अंकल जी बना रहे हैं पराठा और एक चाय, कुछ सामान बिखरा पड़ा है ऐसे, और भाई काफ़ी शोर है, बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर करना अगर आ रही है बहुत ज़्यादा, तो कुछ बातें कर रहे हैं या लड़ रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी जगह है ये देखिए। तो ये नेशनल हाईवे 707 है, ये कुछ गुमा का बाजार है छोटा सा, और मैंने इस तरफ जाना है, खड़ी अपनी बाइक।
अपना लंच आलू का पराठा, राजमा, अचार और चाय। सोचा तो था कि सिर्फ चाय पीऊँगा, पर फिर लगा कि रुका हूँ तो कुछ खा ही लेता हूँ, तो मैंने एक पराठा भी खा लिया साथ में, थोड़ा फिलिंग हो गया विच इज़ एक्चुअली गुड। फिर अब मुझे लंबा रुकने की ज़रूरत नहीं है कहीं, हालांकि गर्मी हो गई है अब और रुकना डेफिनेटली पड़ेगा। गुमा से निकलते हुए अब, और काफ़ी लंबा रास्ता है। पिछले कितने टाइम से देखो वो वाली उत्तराखंड वाली रोड और ये हिमाचल वाली रोड पैरेलल चल रही हैं, बस ये है कि ये यहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं, वो है आप हाइट गेन कर रहे हो वहाँ पर। इस जगह का नाम है मीनस। तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड का और ये रास्ता कटता है अलग, कहाँ से कटता है पता नहीं। वो मीनस का पुराना पुल, ये नया बनाया गया, एक नदी आ रही है अंदर से, या ये वही नदी है, नहीं लग तो नहीं रहा मुझे, वो नदी तो उधर को गई थी कहीं। आई बिलीव ये भी आप उत्तराखंड को चले जाते हैं। हाँ वो लिखा नीचे, वार्म वेलकम टू उत्तराखंड। वो एक रास्ता है, एक ये रास्ता है, ये विकास नगर वाली साइड से होते हुए देहरादून के साइड से जो होता हुआ आता है ये, समझ गया मैं। ओके ये वो वाला रूट है। लोहे का ब्रिज पुल पार करके आप इधर आकर मिलते हैं। तो बेसिकली अगर आपको उत्तराखंड से हिमाचल में एंट्री करनी है इस साइड से, तो ये रास्ता है, यहाँ से आते होंगे लोग। जो अब मुझे समझ में आया है वो ये है कि मीनस तक पूरा, एक मीनस एक जो पॉइंट था वहाँ तक पूरा नीचे तक उतरे हैं और अभी फिर से एलिवेशन गेन करना शुरू कर दिया है। वहाँ वो रोड से हम फिर वापस ऊपर आ गए। अब ये कोई जगह है धारवा, ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी जगह आ रही हैं सुंदर सुंदर। क्या रोड है भाई, मज़ा आ गया, ज़बरदस्त, मतलब और ट्रैफिक नहीं है शायद, अभी लोग इसको ज़्यादा उतना यूज़ नहीं करते हैं और पता भी नहीं होगा। मुझे लग रहा है प्लेन्स में बहुत सारे लोगों को नीचे की तरफ शहरों में बहुत ज़्यादा पता नहीं होगी ये अप्रोच इस तरफ आने के लिए। खैर लंबी भी है तो इसलिए लोग प्रेफर भी नहीं करते, गूगल मैप जो पुराना रास्ता दिखाता है उसी से जाते हैं। पर सुनसान है भाई ये, रात वात को दिन रात ऐसे आने के लिए ना, लेट नाइट आने के लिए ठीक नहीं है, मतलब ठीक है एज एन की कुछ मिलेगा नहीं अगर ख़राब वराब गाड़ी वाड़ी कुछ हो गई तो। हालांकि बीच में छोटे छोटे से शहर आ गांव वगैरह आ रहे हैं, थैंक यू, बट रूट बहुत बढ़िया है, सीनिक है और रोड क्वालिटी अच्छी है। कहीं कहीं कुछ कुछ जगहों पर इक्का दुक्का जगहों पर लैंडस्लाइड्स भी दिखी वाला पैच आ चुका है। अभी ये बहुत लंबा दिख रहा है, ऐसे ये काम चल रहा है, पता नहीं कहाँ तक चल रहा है ये पूरा रास्ता, ऐसा ना हो पता चले कि भी बस यहीं तक पीछे तक पूरा बना था, ये भी बनना है अभी आगे सारा, लग गए फिर तो अगर पूरा रास्ता ऐसा कहीं मिलेगा तो। किसी ने बताया तो नहीं, लोगों ने बोला कि थोड़ा बहुत कहीं काम चल रहा है, तो कहाँ जाना है भाई साहब, अब ये सब करने की हिम्मत नहीं है यार इस टाइम पर। आई होप कि ये बस इसी कुछ स्ट्रेच पर थोड़ा सा कहीं काम चल रहा हो, और नहीं भी चल रहा होगा तो अब तो इधर को आई चुका हूँ, वापस तो जा नहीं सकता, तो धीरे धीरे जाना ही पड़ेगा। ख़राब है यार ये सामना जगह काफ़ी सारा। वल्चर,
इतनी पास से मुझे नहीं लग रहा मैंने कभी वल्चर को देखा होगा। गाय वाय कोई मरी हुई, देखो देखो देखो, ओ गाय वाय कोई मरी हुई है, देखो उसको खाने आई हुई है यार। भाई साहब ह्यूज भैया, ये काम कहाँ तक ऐसे चला हुआ है? ये रोड ऐसी कहाँ तक है? सिलाई तक? सिलाई कितना किलोमीटर है? 1.5-2 किलोमीटर। उसके बाद रोड नहीं, फिर काम नहीं चल रहा ना है? बढ़िया है ना, ठीक है, धन्यवाद। ऐसा बोल रहे हैं सिलाई तक रो काम ऐसे चल रहा है 1.5-2 किलोमीटर, वो तो झेला जा सकता है। अभी हम गुजर रहे हैं सिलाई से और अच्छी खासी बड़ी जगह है ये भी। थक गया यार मैं तो, डिस्टेंस वाइज कुछ कवर करा ही नहीं है और टाइम हो गया दिन के 2:40। ओह गॉश, बीच में लास्ट का 10-15 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था वो काफ़ी ख़राब था यार, काम चल रहा था। झेला जा सकता है पर अगर वो स्मूथ होता तो मैं कब का क्रॉस कर चुका होता सिलाई को भी शायद। और अब आई होप कि इसके बाद ज़्यादा ना हो ख़राब। छोटी सड़क की हो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हाईवे नहीं चाहिए लेकिन रोड ठीक हो। सूचना दी थी ना कि सिलाई के बाद ठीक होगा एज़ पर वन ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर, वो सूचना बिल्कुल गलत थी, उसको अब अपने दिमाग से बाहर निकाल दें क्योंकि ये रास्ता ऐसे ही चले जा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत दूर तक चलने वाला है क्योंकि काम चल रहा है पूरे हाईवे के ऊपर। कहीं कहीं पर थोड़े थोड़े से ऐसे स्ट्रेच आ रहे हैं जहाँ पर रोड एकदम मक्खन है, भगा रहा हूँ, लेकिन ये फिर ऐसा एक स्ट्रेच आ जा रहा है फटाक से। तो ये जिस तरह से चल रहा है तो ऐसे कोई साइन लग नहीं रहा मुझे कि ये रोड पूरी ठीक होने वाली है कहीं पर दूर दूर तक। तो सोच समझ करके इस रूट से आए। हाँ भाई नमस्ते नमस्ते। वो सिलाई है क्या सामने? सिलाई? अच्छा सिलाई है वो, नहीं नहीं, मैं तो वहाँ से आ रहा हूँ, मैं पता कर रहा था कि मैं वहाँ से अभी इधर आ नहीं, पूरा उतर के नीचे फिर ऊपर आया ना। हाँ हाँ ठीक है, धन्यवाद। तो ये देखा अभी वहाँ था थोड़ी देर पहले, पूरा नीचे उतर के घूम घुमाते हुए फिर वापस घूम घुमाते वापस ऊपर, उसके ऑलमोस्ट सामने थोड़ा सा नीचे बट वापस चढ़ाई करिए नीचे उतरने के बाद, इतना सारा रास्ता। ये एक है ऐसे, 3-4 बार कट चुका हूँ अभी तक, शायद ज़्यादा भी उससे। ओ भाई हाय, रोड चौड़ी कर रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। हाय काट दो भाई पहाड़ सारे, काट काट के नीचे ले आओ। बंद है क्या? बंद कर रहा है जी। और यहाँ कुछ काम चल रहा था, 10 मिनट उसको खड़ा रुके वेट करते हुए हो गए थे जो काम कर रहे थे उसको ख़त्म करने में, फिर नीचे का ट्रैफिक इन्होंने ऊपर को आने दिया है, अब मोस्ट लाइकली हमारा नंबर आएगा, देखते हैं कितनी देर में। रास्ता रुका हुआ है 5-7 मिनट बोल रहा है, ऐसे 5-7 मिनट करके कम से कम 4-5 बार रुक चुका हूँ, थक गया।
पानी पी लूँ यार, दिमाग खराब हो गया। कौन सी जगह है ये भाई साहब? स्टोन भाई हैं? स्टोन। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। स्टोन में आ गया भाई, स्टोन में। अभी ये बोल रहा है, अच्छा सीधे जाना है ना। हमने ये कहाँ चला गया रास्ता? ये रास्ता कहाँ चला गया? ये रास्ता कहाँ गया? अच्छा ये तो मेरे को दिल्ली जाने के लिए तो लंबा पड़ेगा ना, दिल्ली जाने के लिए तो लंबा पड़ेगा ना। दिल्ली तो यही सही रहेगा ना, ये तो लंबा होगा ना दिल्ली वाला तो। धन्यवाद। अच्छा ये यहाँ से अगर राइट लें तो अब रेणुका जी चले गए। और नीचे कुछ तो रोपवे, या रोपवे? अच्छा कुछ सामान काम वाम का होगा, ये लोगों का नहीं। अभी भी काम हो रहा है ऊपर भाई, जहाँ जाना है। 18 किलोमीटर और दिखा रहा है ये पॉन्टस है। फाइनली अब लग रहा है कि पहाड़ से एकदम नीचे, एकदम जैसे वो फुटहिल्स भी नहीं है, जैसे ख़त्म होते हैं ना पहाड़, तराई टाइप का एरिया होता है, वहाँ आ गया हूँ ऐसा लग रहा है। और पोंटा साहिब रह गए हैं 10 किलोमीटर। आई होप कोई बाईपास होगा, मुझे अंदर नहीं जाना होगा। तो मैंने पोंटा साहिब वाले एरिया से गुजर रहा हूँ अभी, तो अभी जगाधरी यमुनानगर होते हुए ही जाना पड़ेगा करनाल होते हुए ही। वही दो तीन लोगों से मैंने एक आध फ़ोन करे और यहाँ भी पूछा लोगों से, तो वही रूट बेस्ट है बता रहे हैं दिल्ली का। गूगल मैप कह रहा है रात के 10 बजे। इतना मैंने सोचा नहीं था कि भाई इतना होएगा। एक्चुअली हुआ क्या है कि मैंने जो रूट लिया है वो बढ़िया था, काफ़ी मतलब आधा रास्ता, लेकिन जो आधा रास्ता था ना NH 707 वो बस यहाँ पोंटा साहिब से थोड़ा सा 10 पहले तक काम चल रहा है। बहुत कई जगह तो उन्होंने रोका भाई, 10-10 अगर हर जगह, अगर 4-5 जगह रुका 5 से 10 मिनट तो आपके 45-50 मिनट तो एवरेज वही चले गए। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो रोड इतनी ख़राब थी कि बस धीरे धीरे चलते ही रहे, कुछ तेज़ चलने की वहाँ गुंजाइश ही नहीं थी। अदर उससे पहले था जो पूरा 707 वो बहुत बढ़िया है, तो बस भाग रहा था, मतलब ऑलमोस्ट मैं एवरेज 60 पे चला रहा था हमारा बाइक, इतना बड़ा इतना अच्छा और इतनी अच्छी क्वालिटी थी रोड की। लेकिन बस फिर जो शिलाई है ना, शिलाई से 10-15 किलोमीटर पहले वो ख़राब शुरू हुआ फोन, और उसके बाद वो इतना ख़राब हो गया कि बता नहीं सकता, पूरा रास्ता वो ख़राब था। ऐसे इंटरसेक्शन में पहुंच गए जहाँ से अगर लेफ़्ट लें तो यमुनानगर, नाहन 40, अम्बाला 96, चंडीगढ़ 118, तो अपने को लेफ़्ट लेना है यमुनानगर साइड। राइट साइड आप जाएंगे नाहन को, वो लंबा पड़ेगा, कह रहे हैं बहुत लंबा पड़ेगा, तो भाई ये लिया जाए जो लोग बता रहे हैं। यमुनानगर यहाँ से 60 किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेटली। नगर के पास में एक पेट्रोल पंप पर फ्यूल फिल कराने के लिए रुका, तो सोचा कि एक दुकान देखी यहाँ पर चाय कॉफ़ी है के पास, तो भाई रुक करके ये भी लिया जाए। और उसके बाद मैं अब मोस्ट लाइकली नहीं करूँगा रिकॉर्ड, क्योंकि अब क्या करना है, यहाँ तो भीड़ भड़ाका शोर शराबा ट्रैफिक, बाइक को भगाने में ज़्यादा ध्यान रहूँगा क्योंकि लेट है। चलिए जी फिर मिलेंगे किसी नए सीरीज़ की वीडियोस पे, तब तक के लिए बाय बाय।